हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे तहरी घर पे, फटाफट बनाएंगे इसको। और जल्दी जल्दी में हमने सोचा क्यों नहीं आज तहरी बनाया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे तहरी कितना खिला खिला बनाया है, और इसे दही के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया, कुकर में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें जीरा ऐड करेंगे और हरा मिर्चा ऐड करेंगे, और इसे भून लेंगे थोड़ा सा। जब तक जीरा हमारा भून रहा है, तब तक बाकी गोभी ऐड कर देंगे इसमें, हरी सब्जियाँ, प्याज, आलू, गाजर, इन सारी सब्जियों को ऐड करके इसमें भून लेंगे, चला लेंगे। चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेना है, जब तक हमारे प्याज और गोभी भून रहे हैं। तब तक आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब इस आलू और गाजर भी ऐड कर देंगे इसमें, ऐसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हमने, 2 इलायची छोटी, 10-12 लौंग और 10-12 काली मिर्च। तो सारी चीज़ों को ऐड कर दिए हैं, चलाते हुए इसे भून लेंगे। यहाँ 10 मिनट हो गए हैं चलाते हुए भूनते हुए। तो इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और यहाँ पे गरम मसाले ऐड कर देंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, तो हमारी सब्जी अच्छे से भून गई है। तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे, उसे भी चला के थोड़ा सा भून लेंगे। अब चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बासमती चावल लिए थे, उसे अच्छे से धुल लिए थे, धुल के हमने रेस्ट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे अब उसे भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसे अच्छे से चला लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बस चलाते हुए इसे भून लेना है, थोड़ा सा और भूनना है इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं इसे भुने हुए चावल के साथ। तो बस अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा पानी हमें कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और उसके बाद अब इसमें धनिया की पत्ती को कट करके ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में ऊपर से। तो यहाँ पे भर के हमने धनिया डाल दी है, अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस अब उसके बाद हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है और 2 सीटी का वेट करना है, फिर हमारी तहरी रेडी हो जाएगी। बस यहाँ पे हमने ढक्कन लगा दिया है, और ये देखिए हमारी कुकर भी सीटी देना स्टार्ट भी कर दी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, हमारी तहरी रेडी हो गई। तो बस अब इसे खोलते हैं, और ये देखिए इतना अच्छा हमारी तहरी बन के रेडी हुई है, बस खिला खिला हमारी तहरी बन गई है। इतना अच्छा है ये देखने में लग रहा है, देख सकते हैं ना, खिला खिला चावल बने हुए हैं। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं थाली में, और इसे दही के साथ एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।